फैसले पे हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। ये अदलिया की आजादी के लिए है, अदलिया की मजबूती होगी इससे। यही वो खान साहब का विजन है जो कहते चले आ रहे थे कि हम चाहते हैं कानून की बाला दस्ती हो, आईन की हुक्मरानी हो, अदलिया आजाद हो, किसी भी गुनाह को सजा ना हो। ये वो बेसलेस केस था जो हमारे होते हुए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में दो दिन के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो गया था। जज साहब 14-14 घंटे हेयरिंग करते थे, 10 मिनट की ब्रेक उसने की और दो दिन के अंदर कन्विक्शन की, मैक्सिमम सेंटेंस दी और मैक्सिमम फाइन लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया ने देख लिया, अपील में देख लिया कि इस केस में फर्ज यही था कि इमरान खान साहब को मजबूर करे कि वो कंप्रोमाइज हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो चट्टान की तरह इंशाल्लाह ताला खड़े और खड़े रहेंगे। आज भी खान साहब से मेरी मुलाकात अडियाला जेल में हुई है, बीवी से भी मुलाकात हुई है, खान साहब बड़े खुश थे कल के फैसले से और अल्हम्दुलिल्लाह आज की केस की फतह ये मुल्क की फतह है। ये कौम को आजाद अदलिया की मुबारक हो। ये वो केस था जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज करने के लिए दुनिया देखती है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस थे। इंशाल्लाह बाकी भी केसेस एज इट इज खत्म होंगे, कोशिश करेंगे। आज ये आखिरी केस था रुचरा बीबी।